अगर नील यहां नहीं था तो फिर मुझे पानी अब क्या है मामी? अरे बोलची बाबा बोलची। जो लोग शादीशुदा होते हैं ना, वो लोग अपने पत्नी के मांग में सिंदूर भरेंगे, बुझे छो? सॉरी नीला रागिनी, तुम लोगों की तो शादी नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। जा माई बाबू, तुम दोनों की शादी तो हो गई है ना, तो इसीलिए आन्या के मांग में आपको सिंदूर भरना है, ठीक है जी? जा माई बाबू। रेडी? तो किस बात के लिए? सिंदूर भरना है ना, भर भरो। हाँ हाँ रेडी। बस अब तो पकड़े जाएंगे। ओहो मितुलब, ये कौन सा नया रिचुअल है, मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे बूदी, आछे आछे होता है कभी कभी, आपको पता नहीं है? अरे नहीं होता कुछ भी। अरे आछे गु सिंधु कर लो बाबा। जीशु आशु। क्या कर रही हो तुम? जल्दी लगाओ। ना बहुत बड़ी नौटंकियों कसम से। जामाई बाबू आपकी बारी है। नौ नौ। शेनुदान की रसम दुर्गा पूजा के बाद होती है। अरे ना बोदी, अभी भी होता है। Thank you.
लो पहुंच लो ले लो। साफ हो गया। न जाने ये सिंदूर उड़ के तुम्हारी मांग तक कैसे पहुंच गया। इस सिंदूर की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। आइंदा नहीं हो। मैं इस खबर का कब से वेट कर रही थी। हाँ मैं कल ही आती हूँ हॉस्पिटल। थैंक गॉड। सो सो आई एम सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी। आपको पता है सॉरी वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी ना। इट्स ओके। क्या हुआ? हॉस्पिटल से फोन आया था। आरफ की हालत में इम्प्रूवमेंट है। Really? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने व्रत रखा था ना, सॉरी उसी का फल होगा। ये तुम्हारे प्यार का फल है आने। तुम्हारा प्यार सच्चा है ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा प्यार जीत रहा है and it's gonna win। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आरफ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सर मैं बहुत खुश हूँ। आप प्लीज मुझे कल आरफ के पास ले चलेंगे ना? ऑफ कोर्स ले चलूंगा, क्यों नहीं। दो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं ना आन्या, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। कुदरत भी नहीं, मौत भी नहीं। पता नहीं कुछ लोग ये बात समझते क्यों नहीं। कंग्रेचुलेशंस आंटी, मैं आपकी ये ज्वेलरी वापस करने आई हूँ। आपने मुझे दी, आई एम रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच। इसकी क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारा ही है ना, तुम इस घर की बहू हो। अभी बनना बाकी है, पर अभी दिस बिलोंग्स टू यू, प्लीज आंटी। ओके। छुट्टी रागिनी, दुल्हन के जोड़े में और ज्वेलरी में ना तुम्हें भीषण सुंदर लगते, तई ना बोदी? वैसे सिंदूर तुम पे कैसे जचेगा ये तो तुमने देख ही लिया होगा। पापा कितना बड़ा फिल्मी ड्रामा था ना, सिंदूर उड़ा भी तोड़ के सीधे तुम्हारे मांग में, सांघातिक। मामी आप फिर से शुरू हो गई। दिन में जो कुछ भी होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बात को एक खबर की तरह पेश करें। नील इट्स ओके ना, इट्स नथिंग बिग। बस मैं अभी होटल वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन क्यों बेटा, यहीं रुक जाओ, तुम्हारा ही घर है। नहीं नहीं आंटी, आप समझी नहीं, मैं होटल वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना सामान यहाँ पर लेके आना है। ओह अच्छा। और रास्ते में कुछ काम भी, आई फिनिश दैट, बस और कोई बात नहीं है। बात क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नील चलो रागिनी, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। क्या हो गया?
कुछ लिखा है क्या मेरे मुंह पे? घूर क्यों रही है? अब वो आप इस पे पूरी रात काफी अनकंफर्टेबल होते होंगे ना? थोड़ा, but it's okay. नहीं, वो मैंने रात को देखा था, आप इस पे ना बिल्कुल मुर्गे की तरह सोते हैं. How disgusting यार आनिया. हद है यार, तू पूरी रात मुझे टुकुर टुकुर देखती रहती है. मुझे अपनी इज्जत के बारे में कंसर्न तो नहीं होना चाहिए ना? ओ प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके फाइन, मैं आपके लिए नया गद्दा लेके आती हूँ. तू कहाँ जा रही है नया गद्दा लाने? वो बावली, इतना बड़ा इतना मोटा गद्दा लेके तू यहाँ आएगी इस हालत में? स्टूपिड गर्ल, तुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है ना अपने होने वाले बच्चे की? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं उठाऊँ? बेवकूफ, मैं जाता हूँ लेके आता हूँ गद्दा. लेकिन मैं भी आपके साथ चलती हूँ. लेकिन उठाऊंगा मैं, तू नहीं. डन? ओके, कम भाग. इस पे सुनाएगी अब तो मुझे? सर, वो वाला ट्राई करते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है. कीड़े पड़ेंगे तुझे. अरे बाप रे यार. वैसे सर, आई एम एंजॉयिंग इट. एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको ये सब करते हुए देखूंगी. सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं किसी लड़की का नकली पति बनूंगा. हो रहा है ना वो भी. There's always a first time to everything. अब सुन यार, ऐसे यहाँ कोई काम नहीं होगा. जा डस्टर लेके आएगा. क्विक, मैं लाती हूँ. क्या क्या से आप उठाने पड़ते हैं मुझे भी यार. हर झमेले में फंस जाते हैं जमाई राजा. आ गई तुम. अच्छा हुआ टाइम पे आ गई यार. हाँ, थक गया हूँ ये सब कुछ कर करके. मैं पता नहीं कब तक करना पड़ेगा, कब तक चालू रहेगा यह नाटक. सबसे झूठ बोलना, सबको धोखा देना, मुझे नहीं हो रहा है यार. खासकर तुम्हारी मॉम, उनका चेहरा देखता हूँ तो लगता है कि जिस दिन उन्हें ये पता चला कि हमने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला, जिस दिन उन्हें ये पता चला कि हमारी शादी नहीं हुई है, जाने क्या बीता क्यों उन पर, कैसे सामना करेंगे उनका. बस यार, भगवान करे जल्द से जल्द ये सारा स्यापा खत्म हो. और ऊपर से तुम्हारी वो CID मामी, आज तो पूरा ही केस सॉल्व कर लिया था उन्होंने. खड़े खड़े पूरी राम कथा सुनोगी क्या? दो मुझे डस्टर. अब देर नील, हम कहीं और जा रहे हैं क्या? क्योंकि होटल वाली रोड पीछे छूट गई है. अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नील, आई एम आस्किंग समथिंग. हम कहाँ जा रहे हैं? तुम कुछ तो बोलो प्लीज. नील, आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. नील, तुम मुझे सीरियसली यहां ले. एंड इट्स क्लोज्ड. कितने सवाल करती हो रागिनी, जस्ट कम विद मी ना. देखो, तुम ही कहती रहती हो ना कि मैं बहुत बोरिंग सा हूं, कुछ एक्साइटिंग चीज प्लान नहीं कर पाता. कम, अभी कुछ एक्साइटिंग करते हैं. कम विद मी नील.
देयर यू गो, बैठ जाओ। व्हाट? रागिनी बैठ जाओ, झूला है, डायनासोर नहीं है, खा नहीं जाएगा। या बट आई एम रियली ऑकवर्ड नील, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। यू नो रागिनी, मैं जब छोटा था ना तो मेरे बाबा कहा करते थे कि जब भी बहुत उदासी छा जाए या मन भारी सा हो जाए तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हमने अपने बचपन के सबसे यादगार पल बिताए। इसलिए राइट नाउ जस्ट सिट डाउन, अपनी आंखें बंद करो, शट योर आईज, पल भर के लिए सब कुछ भूल जाओ। बात सुनिए माँ, मैं जैसा आप सोच, बस एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं, तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। ठीक क्यों सुना जाता ना, इतना बड़ा धोखा, इतने दिनों से झूठ 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 और झूठ के सिवा कुछ नहीं। आंटी जी लिसन, काम डाउन, अनिया जाओ पानी लेके आंटी जी के लिए, फटाफट अनिया। प्लीज 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 सिट डाउन आंटी जी, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। अनिया पानी नहीं पीना। मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ सुनना नहीं है सिर, जाओ यहां से। आंटी जी प्लीज प्लीज फॉर गॉड से काम डाउन, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मर जाना चाहिए था मुझे इतने बड़े विश्वासघात का पता लगने के बाद, मर जाना चाहिए था मुझे। आंटी जी आंटी जी प्लीज मुझे एक बार कह लेने दीजिए मुझे क्या कहना है, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट लिसन टू मी आंटी। क्यों जिंदा, ये जानने के बाद कि मेरी अपनी बेटी मेरे ही घर एक पराए मर्द के साथ रह रही है। आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक बार कहने नहीं दीजिए कि सिट डाउन, में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम बहुत जल्दी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। माँ उस दिन घर पे आते ही मैं ये सब कुछ आपको सच सच बताना चाहती थी, लेकिन इसी डर से नहीं बता पाई कि आपको कुछ हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी जी, आंटी जी आनिया कभी आपको जानबूझ के शर्मिंदा नहीं करेगी, विश्वास कीजिए अपनी बेटी पे। हमें माफ कर दीजिए माँ, प्लीज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए माँ, प्लीज प्लीज। किस बात की कमी किया आनो, तुम्हें हर आजादी दी मैंने, लेकिन मेरे प्यार और विश्वास का नहीं ये सिला दिया हमसे।
तुमने सोचा कि अगर ये बात तुम्हारे नीलदाता को पता चल गई तो उन